हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटी एंड थिंकिंग। हम क्या सॉल्व कर रहे थे? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन ऑफ एडिशन रिएक्शन। हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ओके, एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा, तीसरा और दसवां और चौथा, चौथा तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज पाँचवा सॉल्व करेंगे और ये सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर? ओके, ये पांचवा नंबर है, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब स्टेट में डबल बॉन्ड, हाँ। ये रिएजेंट है NBS H इंटू म्यू, हाँ। तो आपको हमने बताया था डबल बॉन्ड है NBS, लाइट या हीट के प्रेजेंस में ये गिवन हो रिएजेंट, तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी बिल्कुल। तो बस आपके मन में होगा कि सर अब बस तोड़िए, इस डबल बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ेंगे, वही जो हमने बताया था, ऐसे और एक तो ऐसे। लेकिन डियर, याद रखिए हमेशा, कभी भी अगर NBS गिवन हो, क्या NBS लाइट के प्रेजेंस में गिवन हो, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कराती है। क्या फ्री रेडिकल केमिस्ट्री, जब हम पढ़ाएंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिक बेसिक बातें जान लेते हैं। फ्री रेडिकल मतलब ये ऐसे इसको डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका मतलब। और ये क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देता है। आपके मन में होगा सर एलाइल पोजीशन क्या होता है, तो देखिए डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन ये, मतलब ये डबल बॉन्ड को छोड़ के ये कार्बन, इसी को कहते हैं एलाइल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एलाइल। तो एलाइल पोजीशन पे हमारा क्या होता है, Br आके जुड़ जाता है। Br आके क्या होता है, जुड़ जाता है। बस इतनी बात याद रखनी थी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एलाइल पोजीशन क्या है, एक तो ए एलाइल पोजीशन है और एक तो ए एलाइल पोजीशन है, डबल बॉन्ड के बगल में है ये, तो दोनों को बना लेते हैं। देखिए अब आप यहाँ पे होगा सर कौन से एलाइल पे ब्रोमीन को जोड़ें, तो देखिए बताते हैं। एक बार तो हम इसको बना लेते हैं और एक बार हम दूसरे वाले एलाइल पोजीशन को बना देते हैं, देखिए ठीक है। तो अब हो गया, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला एलाइल पोजीशन देखो हमारा जो है ना, फ्री रेडिकल यहाँ पे जो आया है, ये इस वाले ग्रुप से क्या है, दूरी पे है। ये क्या, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, जो कि हमारा प्लस आई लगाएगा, और ये भी हमारा वही एल्काइल, यहाँ भी प्लस आई लगाएगा। तो ये वाला फ्री रेडिकल प्लस आई के पास में है, ये वाला फ्री रेडिकल प्लस आई के पास में है, तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा बताइए, स्टेबल करेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल करेगा। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। याद रखिएगा, अगर स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी वो रिएक्टिविटी के इन्वर्सली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसलिए Br हमारा यहाँ पे आके जुड़ता है। तो अब हम बना लेते हैं, हम इस वाले को लेके आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, बनाइए, देखिए वहाँ पे हमारा Br आके जुड़ जाएगा, दिख रहा है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। बना देते हैं डबल बॉन्ड थोड़ा, ठीक है। अब देखिए दूसरा रिएजेंट हमारा क्या गिवन है, H2O और K2CO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको बना के, H2O और K2CO3 गिवन है। अब ये क्या करेगा आगे रिएक्शन में, सबसे पहले तो H2O K2CO3 की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखिए H2O और K2OCO3 इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ये क्या आपस में रिएक्ट करके KOH दे देते हैं और CO2 देते हैं साइड में भी, वो भी लिख लो चाहो तो, लेकिन जो हमारा मेन है KOH, यह एक बेस है, क्या है, बेस है। तो इसको हम बना लेते हैं KOH आएगा इन दोनों से मिलके। तो ये क्या करेगा, अब आपके मन में होगा सर बस इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, जैसे थोड़ा करते थे, एक बार ऐसे तोड़िए और एक बार ऐसे, और जो कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया यहाँ से OH माइनस को जोड़ देंगे। लेकिन डियर याद रख लीजिए, NBS और मतलब इस रिएजेंट के केस में NBS और लाइट के प्रेजेंस में हीट के, तो हम हमेशा क्या करते हैं, OH माइनस को हम डायरेक्ट इसमें ले जाते हैं, OH को ले जाते हैं, यहाँ Br जहाँ पे हमारा हैलोजन होता है उसे हटा के वहाँ पे जोड़ देते हैं सीधे सीधे,
एन बी एन ब्रोमो सक्सेनामाइड बोलते हैं इसको। तो बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओ या चाक यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दिख रहा है आपको क्लियर क्लियर? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं दिया है और यहाँ पे हमारा रिएजेंट भी पहला अलग लग रहा है, दूसरा तो कुछ जाना पहचाना सा है, अब हम कैसे कराएंगे? तो हाँ डियर, यहाँ पे हमारा एडिशन रिएक्शन नहीं होगा पहले स्टेप में, पहले स्टेप में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब देखिए, आप एलिमिनेशन नहीं जानते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखिए हमारा जो ई टी ओ एन ए है ना, ये क्या है, एक बेस है। क्या है, बेस है। और बेस का काम होता है क्या करता है, मोस्ट एसिडिक एच प्लस को खाता है, मोस्ट एसिडिक एच प्लस को खाता है। और मोस्ट एसिडिक एच प्लस कौन होगा यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा जो ग्रुप ये सी एल लगा, ये क्या है हमारा माइनस आई है। और माइनस आई वाले कार्बन के बगल कार्बन जो हो से जुड़े हाइड्रोजन को मोस्ट एसिडिक कहते हैं। ये माइनस आई है, इसके बगल कार्बन ये है, इससे जुड़े हाइड्रोजन को मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये क्या करेगा, बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को आएगा और यूँ ऐसे खा लेगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा, Cl क्या होता है, लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। ये हमेशा बाहर जाना चाहता है, बाहर इसको फेंका जाएगा रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो कभी भी हमेशा ऐसे बेस दिया हो और हाइड्रोजन हो तो हमेशा क्या किया करिए, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे मतलब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे और वो डबल बॉन्ड को बिठाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, बॉन्ड को तोड़ते थे, यहाँ बॉन्ड को बनाएंगे बस। तो बस बना लीजिए, देखिए क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा हमारा और ये यू ऐसे। अब देखिए, अब आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ सर अब पता हो गया, ये डबल बॉन्ड है और दूसरा रिएजेंट हमारा क्या है, एच बी आर। हाँ हाँ हाँ, अब जाना पहचाना सा आ गया, मुझे पता चल गया है ना, अब एडिशन रिएक्शन याद आ गया। वही दो तरह से बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तो ऐसे और एक तो ऐसे, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। कार्बोकैटायन बना लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे बताते हैं, देखिए अगर इसको हम ए नाम देते हैं तो हमारा ए वाला कार्बोकैटायन किधर आएगा, इधर आएगा। और कार्बोनायन की जगह इस बार हाइड्रोजन पहले से जोड़ लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे मान लीजिए जुड़ गया। दूसरा बी वाला बना लेते हैं, देखिए बी वाला भी बनाइए भाई। बी वाला देखिए क्या होता है, कार्बोकैटायन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बी वाला, सॉरी कार्बोकैटायन तो यहाँ आया था, बी वाले में कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और कार्बोनायन यहाँ आएगा। दिख रहा है, कार्बोनायन यहाँ आएगा, हाँ आएगा। तो अब क्या होगा आगे, आप देखो सिंपली, अब जस्ट कुछ नहीं होगा, बस ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये वाला कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, ठीक है, और एनायन की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो बस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, यही होता है, हाँ। तो अब बस अगले स्टेप में यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेबल होगा तो इसे लेके आगे बढ़ेंगे, बी आर माइनस आएगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये होगा आंसर, थैंक यू। और सुनिए, हाँ बाकी के जो क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए हमें शॉर्ट वीडियो बनाना होता है, दो दो क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है, चलिए थैंक यू।